और हमने स्कूल में दिन भर पढ़ाई थी। ऐसा लग रहा था मैं मम्मा के पास जाऊंगा भी, ऐसा लग रहा था। फिर मैं मुझे मम्मा के पास भेज दिया। कुछ टाइम बाद 1 o'clock पे आया था मैं, सो के खाना खा के और पढ़ाई करने बैठ गया था। अभी पढ़ाई फिनिश हो गई। अभी शाम को पापा आ गए, तो यही पापा के साथ पॉपकॉर्न खा ले है। आज मैं पॉपकॉर्न खा लूं, दिखाऊं? देखो, बाय बाय टाटा सी यू। आज हमारे घर में पता है क्या बनने वाला? ये देखो ब्रेड पकौड़ा बनने वाले हैं, और जिसमें हम दोनों बनाने वाले, मैं और अर्चना बनाएंगे खाएंगे। सच बताऊं, मैंने एक बार और बनाया था ब्रेड पकौड़ा, तो वो बहुत ऑयली टाइप का हो गया था। सेकंड टाइम ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। सोच रही हूँ इस बार थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी, एंड अचना को खिलाऊंगी, अचना फीडबैक देखती कि कैसे बने। सो हमने थोड़ी सी तैयारियाँ कर ली हैं, आलू बॉयल कर लिए हैं। ये देखो आलू बॉयल हो गए हैं, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं तो स्टफिंग तो बनानी पड़ेगी। स्टफिंग हमें आलू की बननी पड़ेगी। सो यहाँ पे आलू बिल्कुल उबाल के हमने तैयार कर लिए हैं, और चलिए बताते हैं बैक कैमरा करके क्या क्या तैयारियाँ की हैं। बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है कुछ अच्छा बनाने के लिए, है ना? अचना बोल रही इतने तामझाम करने पड़े ना, तो मैं तो बनाऊंगी नहीं खाने के लिए। जब कुछ अच्छा खाना है तो इतने तामझाम करने पड़े। सो अभी हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, और इसमें मैंने बेसन डाल दिया, और उसके बाद मैंने थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग एंड अजवाइन। सो इन सबको अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये हो गया है बेसन का घोल रेडी, और यहाँ पे ये धनिया और पुदीना है, इसको बिल्कुल धो लिया है। धनिया और पुदीने की हम बनाएंगे चटनी, में हम डाल देंगे चटनी बनाने के लिए, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च, अच्छे स्पाइसी बनाएंगे, और ये अदरक का टुकड़ा, लहसुन, और अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें नींबू एंड ये शिमला मिर्च, छोटी सी शिमला मिर्च थी तो मैंने इसको काट दिया है, और इसको ऐड करेंगे। सो ये सारा इसी में हम डाल देंगे, निकाल ये सारा इसी में डाल देंगे, हरी मिर्च, ये सब कुछ डाल दो इसमें। इसके बाद इसमें हम एक चम्मच दही ऐड कर देंगे। ये हमारा चटनी का सामान रेडी हो गया है, अब इसको हम पीसेंगे। थोड़ा सा हमने पीस लिया है, उसके बाद नमक ऐड कर दिया है, एंड अब जार बंद करके पानी डाल के और इसको पीस लेंगे। आलू लेके मैश कर लिए हैं, उसके बाद हम ये दो छोटे छोटे प्याज थी वो डाल देंगे, उनको बारीक काट दिया है, और ये है हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे इसके बाद हम इसमें, और थोड़े से हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे, और बस थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देंगे। चलो थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, बस इतने से मसाले ऐड कर दिए हैं हम। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डालेंगे, उसको फ्रिज से निकालना पड़ेगा अभी। हमने सारी चटनी में ही पीस दी है, और हाँ हमारी चटनी भी बन गई है। चटनी कहाँ गई अपनी? सो ये हमारी चटनी बन गई है, चटनी थोड़ी सी पतली हो गई, बट कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम, इतनी पतली भी नहीं है, थोड़ी सी पतली है, कोई बात नहीं चलता है इतना तो। गैस पे हमने तेल लग दिया है गरम होने, तेल हमारा गरम हो रहा है जब तक बाकी के काम कर लेते हैं। सो स्टफिंग भर लेते हैं ब्रेड में, और उसके बाद बस स्टफिंग भर के इसमें बेसन में डिप करेंगे, क्योंकि बेसन का घोल पहले से ही बना के रखा हुआ है। बेसन में डिप करेंगे एंड तेल में डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला एंड नमक डाल के डाल दिया है, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्या हुआ, ये क्यों लेके घूम रहे हो इसको? अरे पूरी कैंडल खराब कर दी आपने। हो गई हमारी स्टफिंग रेडी, चटनी रेडी, ब्रेड रेडी, एंड ये है घोल, हमारा बेसन का घोल रेडी हो गया है। अब बनाना तैयार करते हैं। थोड़ा सा ब्रेड भी हम बनाएंगे, ये चटनी, बट हमारे पास ना वाइट ब्रेड नहीं है, और हमने ब्राउन ब्रेड मंगा के रखे थे, बट कोई नहीं, आज हम ब्राउन वाले ब्रेड का बना के देखेंगे कैसा बनता है। चटनी लगा दी है मैंने इस पर ग्रीन वाली, अब जो आलू की स्टफिंग थी उसको लगा देंगे, ठीक है? और इस वाले ब्रेड पे भी चटनी लगा देंगे। और इन दोनों को ऐसे चिपका देंगे, ये देखो इस तरीके से, और इसको बेसन के घोल में आप डिप करेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। तेल हमारा भी गर्म हो रहा है, पे हमने सारे ब्रेडों में स्टफिंग भर दी है, और तेल भी अभी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, ये देखो धुआं निकलने लग गया है।
अब इस घोल में डालेंगे और बस बनाते हैं अपने ब्रेड पकौड़े। डालूं ऐसे कट कर दूं मैं ना? ऐसे कट कर लूं? अरे यहाँ तो अभी हमने एक ब्रेड को डाल दिया है बीच में से कट करके। ये हमारे ब्रेड पकौड़े और एक निकला एक सेब बचा हुआ है, बस हमारा ये लास्ट बचा है और ये हमने तल लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं और हमारा बैटर भी देखो बिल्कुल परफेक्ट बना था, तो बचा नहीं है कुछ भी, लास्ट रह गया है हमारा। तो गाइस फाइनली हमारे ब्रेड पकौड़ा बन के हो गए बिल्कुल रेडी और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है खाने के लिए, एकदम गर्मा गर्म है ब्रेड पकौड़ा और ये देखो इतने सारे बन गए हैं, हमने कितना 4 ब्रेड के बनाए होंगे है ना, तो हमारे 8 बन गए और हम 4 खाने वाले हैं, तो देखते हैं अगर अच्छे बने होंगे ना तो बहुत सारे खप जाएंगे, बट अच्छे नहीं बने होंगे ना तो फिर नहीं खाएंगे। सो ये खाएंगे, ये देखो पूरे नहीं खाओगे क्या? पूरे नहीं खाओगे बट जितने भी खाओगे ना, थोड़े से आप खाओगे थोड़े से हम खाएंगे। अच्छा हमारा ऑर्डर हमको ही दे रहे हैं आप है? सो ये हमारी चटनी एंड ये पकौड़े। कैसे बने सच्ची बताना, टेस्टी बने? टेस्टी है झूठी? अभी स्टफिंग का टेस्ट नहीं आया। अरे मैं क्या बोल रहा, टिश्यू दे दे। एक मिनट तो काम लेना। हम सब लोग भिड़ गए हैं खाने के लिए। दो सोफे पे बैठे हुए हैं, दो इधर बैठे हुए हैं, सारे लोग खाने लग गए हैं। ये हमारे ब्रेड पकौड़ा खा भी लिए, थोड़े थोड़े बन बन खा लिए बट अच्छे बन गए हैं। हल्का सा नमक कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके और खा रहे हैं, काफी अच्छे बन गए हैं है ना अचना, मजा आ गया मजा। जहाँ पे हरी मिर्ची लग जा रही है ना तो और ज्यादा मजा आ जा रहा है, थोड़े तीखे हो जा रहे हैं हरी मिर्ची की वजह से। आपको कैसे लग रहा है? अच्छा ऐसे होते हैं ना? एक बार मैंने उस वाले घर में बनाए थे, बट ऐसे ही बनाए थे, रैंडम बनाए थे, मतलब ज्यादा कुछ तामझाम नहीं किया था मैंने, ऐसे ही बनाए थे। पहली बार ही बनते हैं तुमसे थोड़े ठीक था, उसके बाद दूसरी बार तुम एक्सपेरिमेंट कर देते हो तो खाने लायक नहीं बचते। दूसरी बार में उम्मीद के साथ बैठता है बंदा और फिर देखता है टेस्ट। जैसे तुमने छोले बचाने बोल रहा हूँ, ये मटर चाट बनाई थी पहली बार की अच्छी बनाई तो बड़े दूसरी बार की उम्मीद में बड़े बैठ गए हम खाना, पता चला मटर के दाने अलग अलग दिख रहा है, टेस्टलेस बना दी दूसरी बार। इंटरेस्ट रहता हो तब भी नहीं, पहली बार का पता नहीं, सरप्राइज टाइप से खाते हैं, पहले पता नहीं रहता, बैठे रहते हैं एकदम से आ जाते हैं सामने, दूसरी बार जब पता रहता है कि हाँ होने वाला है आने वाला है। कोई नहीं, अभी तो ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छे बने हैं। आप तो उसकी सब्जी निकाल के खा। अरे सब्जी नहीं, सब्जी के साथ ही तो अच्छा लगता है।